हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ लिंकेज ग्रुप के बारे में। ठीक है, किसी क्रॉप में जैसे आप लोगों को कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मेज में लिंकेज ग्रुप कितना होता है। ठीक है, या पूछा जाता है कि जो मेल होता है, ह्यूमन मेल होता है, उसमें कितने लिंकेज ग्रुप बनते हैं, या फिर कोई जो ह्यूमन फीमेल है उसमें कितना लिंकेज ग्रुप बनता है। इस तरह से क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो किसी नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है, उसमें अगर हम लोग लिंकेज ग्रुप के बात करें तो ये जो लिंकेज ग्रुप होता है वो उसके एन के बराबर होता है, उसका जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होता है उसके बराबर होता है। जैसे कि अगर मेज की बात करें तो आप सबको पता होगा मेज में 2n = कितना होता है, 20 होता है, तो इसमें n = कितना होगा, 10 होगा। तो मेज में कितना लिंकेज ग्रुप पाया जाएगा, 10। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें पी की, तो पी में कितना होता है, 14 क्रोमोसोम होता है, 2n = 14, n = कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो पी में कितना नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप होता है, 7। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में आप लोगों को अगर लिंकेज ग्रुप निकालना है तो लिंकेज ग्रुप = n करके निकाल सकते हैं। लेकिन जो लिंकेज ग्रुप है वो चेंज होता है। ठीक है, अगर हम लोग मेल और फीमेल की बात करें तो इसमें आप सबको पता है एलोजोम पाया जाता है, ऑटोजोम पाया जाता है, तो यहाँ पे जो लिंकेज ग्रुप होता है उसका नंबर चेंज होता है। अगर कोई हेट्रोगैमेटिक सेक्स होता है, ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है मेल कैसे बनता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम की जब ह्यूमन में प्रेजेंट होता है तभी वो किस क्या बनता है, मेल बनता है। तो अगर कोई हेट्रोगैमेटिक सेक्स है, ठीक है, हेट्रोगैमेटिक सेक्स है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितना होगा, n+1 होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग मेल की बात करते हैं तो 2n = कितना होता है, 46 होता है, तो n = कितना होगा, 23+1 होगा, मतलब कितना हो जाएगा, 24। तो अगर ह्यूमन मेल की बात करते हैं तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितना होगा, 24। वही अगर होमोगैमेटिक सेक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, n के बराबर होता है। जैसे कि अगर ह्यूमन मेल की बात करें तो उसके पास ह्यूमन जो ह्यूमन फीमेल होता है उसकी अगर बात कर देते हैं तो उसके पास XX क्रोमोसोम होगा, तो XX क्रोमोसोम होगा तो ये किसके बराबर होगा, n, तो यहाँ पे कितना होगा, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप 23 होगा। इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो लिंकेज ग्रुप हो उसको आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।